मामला जनपद के विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों का है, जहां एक तरफ कोरोना काल में जनपद में लगभग 700 विद्युत संविदा कर्मी विभाग को रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं संविदा कर्मियों का अपने अधिकारियों पर आरोप है कि वो संविदा कर्मियों से हर महीने उनके वेतन से 1,000 रुपए रिश्वत की मांग करते हैं। अगर कोई संविदा कर्मी रिश्वत के 1,000 रुपए नहीं देता है तो उस व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से नौकरी से निकाल दिया जाता है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकारी कर्मचारी कोई न कोई बहाना बनाकर इस कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हैं और हम 700 संविदा कर्मी रात दिन विद्युत विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब संविदा कर्मियों ने अधिकारियों को रिश्वतखोरी, झूठी कार्यवाही करने पर विद्युत विभाग को चेतावनी दी है। अगर जिन संविदा कर्मियों पर झूठी कार्यवाही की गई है, अगर उनको वापस नहीं लिया गया तो जनपद के 700 विद्युत संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें जनपद की विद्युत आपूर्ति में बाधा आएगी, जिसमें जिम्मेदार जनपद के अधिकारी होंगे। चंदौसी हाईडेल में आप सारे संविदा कर्मी इकट्ठे हैं जी, किन मांगों को लेकर इकट्ठे हैं और ये किस बात के लिए नारे लगा रहे हैं? सर, हम इकट्ठे इस बात के लिए हैं कि संविदा कर्मचारी पे इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जबकि कोरोना काल में सभी सरकारी कर्मचारी अपने अपने घरों पे कोरोना का बहाना बना के घर में बैठे हुए हैं और संविदा कर्मचारी केवल कार्य कर रहा है, बिजली व्यवस्था चला रहा है, जिसके चलते हो ये रहा है कि 8 घंटे की जगह उससे 24 घंटे काम कराया जा रहा है और बिना वजह जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बिना वजह किसी न किसी बहाना बना के बाहर निकाला जा रहा है। इसमें हुआ यह है कि पमासा बिजली घर के अवर अभियंता जयवीर सिंह जी द्वारा 2 कर्मचारियों पर बेवजह FIR की गई है, जबकि उनका कोई गुना नहीं था। इसमें उन्हें केवल इस बात पर हटा दिया गया कि किसी कर्मचारी का कोरोना काल में और आचार संहिता में लगी हुई थी, उनका स्थानांतरण बेवजह कर दिया गया केवल कंपनी का बहाना बनाकर। जबकि कंपनी वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा है, और अधिकारी से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कंपनी ने कहा गया है, दोनों कभी एक पास नहीं आ रहे हैं। इसमें एक कंपनी हमारी जो आई हुई है वो ये कह रही है कि 30 से 40 हज़ार रुपये कर्मचारी हमें चाहिए और 1,000 रुपये पर महीने अपनी सैलरी से हमें दें। इसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हर कर्मचारी पर, जो कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है उसे झूठा आरोप लगा के उसे बाहर करा जा रहा है। 1,000 रुपये महीने किस बात की मांग रहे हैं आपसे? सुविधा शुल्क, मतलब आप संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मचारी सुविधा शुल्क देगा तो कौन मांग रहा है आपसे? ये अवर अभियंता द्वारा भी दबाव डाला जा रहा है और कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा भी दबाव डाला जा रहा है। तो आप सब लोग इस किस लिए इकट्ठे हैं यहाँ पर आज? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विभाग में जो सरकारी कर्मचारी घर पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो कर्मचारी उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न बंद हो, जो कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं वो सभी कर्मचारी कान पर वापस लिए जाएं, और जो सुपरवाइजर द्वारा प्रतिभूति के नाम पर पैसे मांग रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये या 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से वो बंद किए जाए। वो किस लिए मांग रहे हैं? वो केवल अपनी सुविधा के हिसाब से मांग रहे हैं कि हमें, जैसे कोई कर्मचारी 30 साल से काम कर रहा है उसके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो 30 हज़ार रुपये इस बात के चाहिए उन्हें, तब रखेंगे वो, तब रखेंगे यानी रिश्वत, रिश्वत चाहिए, खुली तौर पर रिश्वत चाहिए। और जो नए आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई? हमारी मांग पूरी नहीं होती तो सोमवार से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो स्वतः ही अपने घर पर चले जाएंगे। अच्छा, पूरे बहिष्कार, पूरे जनपद में कितने संविदा कर्मी हो आप लोग? 700 संविदा कर्मचारी हैं पूरे संपत जिले में, सारे लोग चले जाएंगे, सब अपने घर पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संविदा अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता सभी की होगी।